आज मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कई विधान पार्षदों को भी मंत्री बनाने जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अंदर ही अंदर उन विधायकों में आक्रोश देखा जा रहा है जिन्हें मंत्री बनने की उम्मीद थी। अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से जानते हैं कि आखिर लिस्ट में कौन कौन नाम है और मंत्री बनने जा रहे हैं और उनमें विधान पार्षद कितने हैं और कौन नाराज हो गए हैं। सर बिल्कुल 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 रश्मि, कई लोगों की नाराजगी की बात सामने आ रही है। खास तौर पर उनमें वो विधायक हैं जिनको ये उम्मीद थी, जिनको ये आस थी, जिनको ये भरोसा दिया गया था कि शायद उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन जो चर्चा छनकर सामने आ रही है, जो चर्चा चल रही है और जिनको फोन आने की खबर सामने आ रही है वो तो खुश हैं, लेकिन जिनको फोन अब तक नहीं आया है, जिनको कंफर्म नहीं किया गया है, वो लोग नाराज हैं। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी विधायकों से ज्यादा विधान पार्षदों पर भरोसा जता रही है। ऐसी बात इसलिए आ रही है चूंकि सूत्रों के हवाले से कई लोग ये खबर चला रहे हैं या जानकारी अंदर खाने बीजेपी में भी ये छनकर आ रही है कि कई विधान पार्षदों को फोन गया है या फोन जाने वाला है या कंफर्म किया गया है या बनने जा रहे हैं वो लोग मंत्री। तो जो विधायक जिन्हें कमिटमेंट किया गया था या जिनको भरोसा दिया गया था या जिनको उम्मीद थी, वो लोग अंदर ही अंदर गुस्साए हुए हैं, नाराज हैं और वो अपनी शिकायत बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता है उनसे कर भी रहे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें एमएलसी संतोष सिंह है बीजेपी के, किशनगंज से जो एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल उनका भी नाम बताया जा रहा है, वरिष्ठ नेता विधान पार्षद जो बने हैं तीसरी बार रिपीट हुए हैं मंगल पांडे के भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा हरी सहनी के नाम की भी चर्चा चल रही है, जनक चमार भी विधान पार्षद है उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में एक साथ इतने विधान पार्षदों को सरकार यानी नीतीश कैबिनेट में बीजेपी अपने कोटे से जगह दे रही है, तो फिर जाहिर तौर पर जो विधायकों की जो संख्या होगी, चूंकि देखिए अभी 16 पिछली सरकार में बनाए गए थे बीजेपी कोटे से मंत्री, अब 3 बन चुके हैं तो फिर ऐसे में अब 13 बचते हैं, तो 13 में से 4 से 5 हो सकता है जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है विधान परिषद ही, तो फिर 7-8 ही बच जाएंगे विधायक। उसमें से भी कुछ का नाम इस बार हो सकता है कि ना हो उस लिस्ट में और बाद में जब विस्तार हो तब हो। उसके अलावा संतोष सुमन को पहले ही ये बनाया जा चुका है और एक कोटा संतोष सुमन की तरफ से और मांगा जा रहा है कि एक मंत्री और बनाया जाए। प्रिंस राज के भी बनाए जाने की चर्चा है, तो वो भी बीजेपी कोटे से ही और बनेंगे, तो वैसे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी बात बनी है कि नहीं बनी है। तो अंदर ही अंदर भाजपा के वैसे विधायक नाराज चल रहे हैं और सुरबुगाहट तेज है, हलचल तेज है। कुछ विधायक जिन्होंने अंत वक्त में सरकार को बचाने में अपनी भूमिका निभाई थी और पाला बदल करके आए थे, उनको भी ये भरोसा दिलाया गया था कि शायद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उन्हें उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उनमें से एक आध नाम हो सकते हैं, लेकिन उस पर भी कंफर्मेशन नहीं आया है, फोन नहीं आने की बात सामने आ रही है, तो वो लोग भी एक तरीके से नाराज है बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है, हालांकि इसका पदक्षेप अब कुछ घंटों में हो जाएगा, अब काउंटडाउन शुरू है किसी भी वक्त, चूंकि गया आज पहले से कार्यक्रम था राज्यपाल का, इसीलिए 11 बजे के बदले 3 से 4 बजे के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आ रही है। तो जब विस्तार होगी तो फिर जरूर क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन कौन शपथ ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो चर्चा चल रही है, जो सुरगाहट चल रही है, फोन आने की सूचना आ रही है, इसी को देखते हुए अंदर खाने बीजेपी में हलचल तेज है, सुरबुगाहट तेज है, नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि कोई भी नाराज है या बीजेपी की तरफ से हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है सामने आकर कि हाँ हमारे पार्टी में नाराजगी है। लेकिन हाँ अंदर खाने जाहिर तौर पर स्वाभाविक है रिएक्शन कि अगर आपको भरोसा दिया जाता है और भरोसा पे खरा नहीं उतरता है शीर्ष नेतृत्व, तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती है। खैर देखना है
कि जो खबरें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई इतने विधान पार्षद एक साथ मंत्री बनने जा रहे हैं, और मंत्री बनने जा रहे हैं तो कितने विधायक मंत्री बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे तो किनको कमिटमेंट किया गया थे, सब कुछ वक्त के साथ सामने आ जाएगा। रश्मि जी सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।